वही हम लोग फैमिली है, मेरा जीजाजी है, ये पूरा हम लोग फैमिली है, हम लोग का सोसाइटी है। आप लोग वहाँ देख, वहाँ भाई वहाँ दिखाइए, पीछे दिखाइए, वहाँ पे उसका बॉडी को रखा है ना, अभी वहाँ से लेके इतना सस्पिशियस स्टेज में उसमें लेके रखा है, इतना हाई सेंसिटिव केस में मैंने एक पुलिस प्रशासन भी नहीं है। तो इस तरह से नहीं होगा, ये केस बहुत सेंसिटिव है, एक तो सीबीएस आपका स्टेट लेवल का एक सेंसिटिव केस है, पुलिस प्रशासन यहाँ पे एक अभी इसको आके कोई डेड बॉडी बंदूक गुंडू पकड़ के आके ले जाने से क्या होगा। हम लोग का सेंटीमेंट ये है, इसलिए हम लोग ये बोलना है फैमिली का तरफ से कि ऐसे शुरू करके इस तरह से अभी जिस तरह से इसमें बिना सिक्योरिटी का ऐसा रख के ये केस को भी ऐसा वो में आप लोग लाइटली गवर्नमेंट नहीं लेना है, ये चीज में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना पड़ेगा। नहीं तो किसी हम लोग का एक फैमिली, इतना बड़ा फैमिली का हम लोग का एक हेड ऑफ द फैमिली गया है, चाहे उसका अगेंस्ट में जो भी एलिगेशन हो, इसलिए हम लोग आप लोग देखिए ऐसा बिना सिक्योरिटी का है। हम लोग फैमिली का तरफ से तो हम लोग का जितना हो सकेगा हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा, और कल इसका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी बॉडी को ऐसे रखा है, हम लोग का तरफ से तो हम लोग प्रोटेक्ट करेगा। तो हम लोग कल चाहते हैं कि पोस्टमार्टम भी अच्छा से होना है, और दूसरा चीज जो भी है वो कल परसों आते रहेगा, लेकिन हम लोग का यही है कि इस तरह अभी पुलिस प्रशासन नहीं रख के बॉडी को ऐसे रखना, ये गवर्नमेंट का तरफ से ऐसा चूक होके ये केस का इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा नहीं होना है, ये हम लोग का कहना है। इन्वेस्टिगेशन सही से होना पड़ेगा, नहीं होगा तो हम लोग का तरफ से भी अपना कस्टमर ही इस तरह से हम लोग करेगा, वही भाई बोलना है। तो पहले, उसे तो पहले पुलिस फोर्स लोग जब यहाँ में ड्रॉप करके गया, उसके बाद आप लोगों को क्या बोल के गया यहाँ से जाने समय को क्या वो लोग का तरफ से तो कल पोस्टमार्टम होगा बोल के गया है बस। तो हम लोग पोस्टमार्टम आज रात हम लोग यहाँ बैठेगा, कल प्रॉपर पोस्टमार्टम होना है हम लोग का तरफ से, वही है। तो क्योंकि आपका जो अभी मर्डर ही है हम लोग का हिसाब से मर्डर है, इसलिए हम लोग इसको पोस्टमार्टम अच्छा से कर देना पड़ेगा, ताकि जो सच है आने वाला में उसको भी जस्टिस मिलना है, हम लोग का फैमिली को भी जस्टिस मिलना है, वही है। आप लोग जाने से पहले पुलिस फोर्स को आप लोग क्या आप लोग को ये दिया है, बोला है कि हम फोर्स रखने से नहीं, वो उन लोग का सोचना है ना, इतना सेंसिटिव केस। हम लोग अभी आया है खबर सुन के, सेंसिटिव इशू किस लिए है, ले तुमीगंग का अंडर सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन में है, तो वो क्या करता था, इसका ड्यूटी सर्टर ऑफ ड्यूटी पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी जो गपला चल रहा है उसका असिस्टेंट एग्जाम कंट्रोलर था, उसको सस्पेंशन में रखा था। तो अभी ये चीज ऐसे इश्यू निकल गया, ये बहुत बड़ा सेंसिटिव है, ये है हम लोग सेंसिटिव कहने का मतलब। अभी यहाँ पुलिस भी नहीं है, हायर अथॉरिटी भी कोई भी नहीं है, हम लोग भी जस्ट पहुंचा है, बस उतना है। ये कॉमन आदमी नहीं है ना, ये एपीसीएस का कपला था, ये कंडक्शन थी, उसको आज कैसे हुआ, ये फैमिली सस्पेक्ट है, मर्डर है अभी पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं हुआ, मेरी फैमिली है यहाँ, पोस्टमार्टम कल होना है, अभी तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये तो सबसे बड़ा एविडेंस है तू अभी, ये उसका बदन को क्या हुआ, कैसे मारा, कैसे नहीं हुआ, सबसे बड़ा एविडेंस वो है तू, इसलिए पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुआ, मैंने तो बदन को ही ऐसे लापरवाही में चोर के रखना है, तो गवर्नमेंट का चूक नहीं है क्या, इसलिए हम लोग का वो ही है कि इसकी सर का कहना था कि अभी थोड़ा रात हो गया तो कल दिन को होने से दिन को पोस्टमार्टम नहीं, हम लोग का कल, हाँ कल दिन को मीन्स ऑटोप्सी तो यूजली डे लाइट में होता है, तो कल होना है वो हम लोग मानता है। हम लोग का कहना है कि यहाँ में सिक्योरिटी रखी है ना, हम लोग भी रहेगा फैमिली का तरफ से, आप लोग का तरफ से भी सिक्योरिटी होना है, रात को क्या पता कुछ भी हो जाने से जस्टिस मिलेगा क्या, आप लोग सोचिए।
वो है। और इस तरह का अभी जैसे शुरुआत में हम लोग तो प्रोटेक्ट करेगा, वी आर कैपेबल एनफ टू प्रोटेक्ट दैट मीन्स रेस्पेक्टेड, हम लोग का जो डिसीज हुआ है ना फैमिली मेंबर, हम लोग तो किसी को यहाँ से आके ऐसा तो होने नहीं देगा, वो तो बात का बात है, हम लोग का इज्जत का सवाल भी है। लेकिन हम लोग इस तरह का तरीका का अगर एटीट्यूड रह के जो इन्वेस्टिगेशन कल को भी करना है, तो इस तरह का नेग्लिजेंस करके उसको जस्टिस नहीं मिलेगा ये, और हम लोग को अंडरमाइन नहीं करना है, वही हम लोग का कहना है, अंडरमाइन नहीं करना है। गवर्नमेंट जो स्ट्रॉन्ग से ले लेना है, सेंसिटिव केस है, सेंसिटिवली डील करके इसको भी जस्टिस मिलाना है, ये तो सरासर मर्डर है। नहीं वो तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आएगा, वो हम लोग अभी नहीं बोल पाएगा कि क्या है क्या नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन में होगा, उसको तो हम लोग ऐसे लेमैन हम लोग नहीं बोल पाएगा ना। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा, पोस्टमार्टम सही एकदम बढ़िया से होना है, और फैमिली का डिमांड है पोस्टमार्टम करते समय भी फैमिली मेंबर का साथ रहे, हम लोग फैमिली मेंबर भी एक एंडोर्स करेगा, उसको रहने देना है, सही से होना है सब कुछ, वही हम लोग का मांग है, ताकि अगर इनकेस जो भी हुआ है मैंने एकदम फैक्ट क्लीन एंड क्लियर होना है, क्रिस्टल क्लियर, वही हम लोग का डिमांड है। और गवर्नमेंट तो उसको डेथ बॉडी मिलने का बाद उसमें शो मो तो कॉन्ग्रीजेंस लेना चाहिए था, यहाँ पुलिस भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि एफआईआर लॉस करना है, पुलिस जब उसको मिलता है तो कॉन्ग्रीजेंस में ले लेना है, कोई इंफॉर्मेशन करता भी है तो वो भी नहीं है यहाँ में, ये तो बहुत लेमेन नहीं है ना, ये तो पब्लिक सर्विस कमीशन एक अंडर सेक्रेटरी है, सोच के देखिए। लाइव करके दिखाना है बहन, ये नहीं हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ये हम लोग का सिर्फ नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट का हो गया सब कुछ, क्योंकि ये लिंक है तो ये एपीएससी पियास्को से बिल्कुल लिंक है, आईएस एविडेंस है, क्या पता इसका थ्रू अगर प्रॉपर से इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत पकड़ सकेगा होगा ना, कंस्पिरेसी है तू। असिस्टेंट एग्जाम कंट्रोलर है ये हम लोग का, ये जो है बहुत हम लोग फैमिली का तरफ से सीधा साधा है, अभी ईटानगर में भी दोनों एक भी उसका प्रॉपर्टी भी नहीं होगा, सीधा आदमी है, ऐसा आदमी स्केप गॉट बनाया गया इसको, हम लोग डिटेल बाद में प्रेस ब्रीफ होगा, अभी हम लोग जस्ट पहुंचा है, डिटेल मालूम नहीं है, उसका डिजाइनेशन को पता है हमें।